नहीं तो आना पड़ेगा या तो मेरा मौत जाएगा, ये बाबू राम को भी चैलेंज है। बाबू राम बोलता था अचार, यहाँ से मेरा डेड बॉडी जाएगा साथ। डॉक्टर क्या बोला, तुम ज्यादा भुकाओगे जाओ तुम्हारा पत्नी मर जाएगा। बस दो सुइया दिया घब घब और उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला कि मर गया। एक को एसपी बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे, ये शौक नहीं रहा। अब ये लाल सलाम बनेगा, ये लाल सलाम बनेगा नेक्स्ट लाइफ। एक पति अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर पहुंचा था सदर अस्पताल। डॉक्टर ने दो सुई दिया और कहा तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ये ऐसा हम नहीं, ऐसा मृत पत्नी का पति बोल रहा है कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मर जाएगी और उसके बाद दो सुई देते हैं और डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी पत्नी मर गई। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। पति के सामने और मासूम बच्चे के सामने पत्नी ने दम तोड़ दिया। मासूम बच्ची रोती रही, बिलखती रही, लेकिन आखिर उसका जान कहाँ से आ सकता है। एक डॉक्टर का शराब आखिर माँ पे पड़ गया और बच्ची अपनी माँ को खो दी। वहीं पति ने भी जमकर हॉस्पिटल में हंगामा किया और हंगामा करने के दौरान पति ने साफ कहा कि मैं नक्सली बन जाऊंगा और देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को यहाँ से लेकर जाता है। देखिए इस वीडियो को। भागलपुर पूर्व बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया। नथनगर पेपिता निवासी डिलीवरी पेशेंट महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद बताया जाता है कि डिलीवरी पेशेंट महिला कल सुबह 6 बजे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसका इलाज मेयानगंज अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों की मनमानी और मृतक के परिजनों की परेशानी डिलीवरी पेशेंट महिला को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ऐसे हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए मृतक महिला के परिजन डॉक्टरों से लगातार यह गुहार लगाते रहे कि उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर है और डॉक्टर मनमानी करते रहे। आखिरकार करीब 12 बजे उस महिला की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृत के पति कहते हैं कि 100 से ज़्यादा बार डॉक्टरों को बेहतर उपचार के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, डॉक्टर के दो सुई देने के तुरंत बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के पति का आरोप है कि जब तक एसएसपी बाबूराम नहीं आएंगे तब तक यहां से डेड बॉडी नहीं जाएगी। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसी मामला कई बार हो चुका है। डॉक्टर सचेत नहीं होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। एक डॉक्टर दो सुई देता है और पत्नी की मौत हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार इस अस्पताल में ऐसा मामला देखने को मिला है जिसके बाद भी डॉक्टर सचेत नहीं होते। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और वही डॉक्टर गलत काम करते हैं और मरीज मर जाते हैं, तो उससे किसी का परिवार, किसी की माँ, किसी की बहू और बेटी चली जाती है इस दुनिया को छोड़कर। हमको जो सजा देंगे वो लेने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर ज्यादा जाते थे, डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर क्या बोला, तुम ज्यादा भुकाओगे जाओ तुम्हारा पत्नी मर जाएगा। बस दो सुइया दिया घब घब और उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला कि मर गया। दो सुई दिया है और अब इसका हमको छानबीन चाहिए, वो कौन सा दिया है। ये बॉडी को उठाने के लिए इस लहास से गुजरना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हम भी ये रखे थे शौक, मेरा छोटा छोटा एक बेटा एक बेटी है, एक को एसपी बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे, ये शौक नहीं रहा। अब ये लाल सलाम बनेगा, ये लाल सलाम बनेगा नेक्स्ट लाइफ, लेट लाइफ, ये मेरा गारंटी रहा। नहीं तो डॉक्टर जवाब दे, इसका पहले मेरा बॉडी नहीं उठ सकता यहाँ से, इस लहास से गुजरना पड़ेगा इस बॉडी पर से, इस लहास से गुजरना पड़ेगा इस बॉडी को। क्या लगता है लापरवाही कर रहा है? जी हाँ, 100 बार गए हैं, सीसी कैमरा देखिए कितना बार गए हैं, आधा घंटा में 100 बार लापरवाही। डॉक्टर सिर्फ बोला कि जाओ तुम, क्या नाम है आपका? नाम शत्रुघ्न कुमार सोनी। वाइफ का? नीतू देवी। घर कहाँ है? नाथनगर पिपर पाती ललमटिया थाना। कब भर्ती हुए थे? कल सुबह 6:30 बजे। और बोलिए सर, कुछ चाहिए जानकारी?